हम सब के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए डांस की देवी है। और जब देवी आती हैं तो उनका आदर से स्वागत किया जाता है। तो हम आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। अब भी माधुरी जी ने इतनी बात कर दी मेरे लिए कि पता नहीं मैं बर्दाश्त कर सकूंगी कि नहीं। जब मुझे माधुरी मिली तो मेरा नाम हुआ, तो ऐसी शीश मिलना भी बहुत नसीब वालों का काम है। मेरे आर्ट को इन्होंने पंख लगा दिए। मेरी इमेजिनेशन ऐसी दौड़ती थी इसके टाइम पे कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को बोलिए हवा में चलने के लिए तो मैं चलने को तैयार हो जाऊंगी। She gave me wings। इनकी वजह से मैं हूँ और पता नहीं मेरी वजह से ये हैं कि नहीं। Of course, मुझे लगता है कि ऐसा गुरु सबको मिलना चाहिए। जो चीज़ मैंने सरोज जी से सीखी है वो मुझे लगता है जन्म भर याद रखूंगी। इनफैक्ट जब मैं दूसरे कोरियोग्राफर्स के साथ काम करती थी तो उनके स्टेप्स लेके मैं सोचती थी आप सरोज जी ये कैसे करती, यही स्टेप, और उस तरीके से मैं उस स्टेप को करती। तो ये सरोज जी, यू बीन अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लुएंस। ये तो दिखाई देता था कि जो कुछ भी ये नाचती है स्टेज पे वो आधा उसका होता है, आधा कोरियोग्राफर का होता है। बट मेरी लाइफ की शैडो है, जीरोक्स है, तो सिर्फ ये बहुत अच्छा था। स्पेशली आपकी थाप जहाँ हम लोग मर गए थे। इनका ड्रेस इतना भारी था कि बेचारी घुटने पर टर्न लेती, रिवर्स आके गिर जाती। अब करें तो क्या करें वो ड्रेस को। और ड्रेस का वजन भी मतलब माशाल्लाह 15 किलो तो होगा 100%। आराम से। हाँ, ऐसे लगता था किसी को उठा के मैं डांस कर रही हूँ। बहुत मुश्किल था लेकिन सरोज जी ने बहुत एनकरेजमेंट दी मुझे। अरे करो ना जल्दी। सरोज टू गेट इम्पेशेंट। तो सरोज जी लेकिन ये फिसल रहा है। हाँ, नाउ यू हैव टू मैनेज, कैसे भी करो मैनेज करो लेकिन ये स्टेप करनी पड़ेगी। एंड बहुत खूबसूरत स्टेप थी। सो वी वर ऑल वी वांटेड टू डू इट, तो इसलिए मैनेज हुआ और हो गया वो स्टेप। लेकिन वाकई दोनों भागकर आ जाओ इधर। मिर्जा और ओम के 101 रुपए की वैल्यू आपको पता है? प्ले से भी बढ़कर है इसकी वैल्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैडम से पूछिए कितनी बार मिला है। एक बार तो ऐसा हुआ कि फाइनली सरोज जी ने बोला कि ये तो बहुत मतलब 101 बोली अब मैं हर स्टेप के लिए 125 रुपया दूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप जाते थे हम लोग। अगर ये स्टेप कॉन्फिडेंटली अच्छा किया आपने तो आपको 125 रुपया मिलेगा। 101 मतलब कमाल कर दिया कुछ। तो आपने आज कमाल कर दिया यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मतलब हम लोग तरस जाते थे कि कब सरोज जी देगी 101, और आपने ऐसे आप 101 ले गए सरोज जी से, छीन के ले गए। फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। तो मैं और सरोज जी आपके लिए कुछ करना चाहेंगी। सरोज जी थैंक यू सो मच मैम। सरोज जी कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? अभी मुझे शर्म आती है यार, इन लोगों के सामने मेरे को हार माननी पड़ेगी। क्या बात है, दोनों ऐसा लगता है पैदा होते ही नाचने लगे। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। ये जो पेयरिंग है माधुरी जी और सरोज खान जी की, मतलब आज हमने ये 8-10 गाने सुने और हम लोग इतनी यादें ताज़ा हो गई। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर सच अमेजिंग मेमोरीज एंड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड, बिकॉज आप लोग के बिना हमारी वो कोई चाइल्डहुड ही नहीं है हमारा। सो थैंक यू। सरोज मैम आपको कैसा लग रहा है? रोना आ रहा है। सचमुच पुरानी यादें बहुत अच्छी हैं, बस इनको देख देख के अभी जिंदा है। मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत ही अहम बात रही कि सरोज जी मेरे लाइफ में आई और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज भी मैं मुड़ के जब देखती हूँ सब गाने हमने जो किए हैं, लोग कहते हैं अरे इतने साल हो गए सबको याद है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो सरोज जी की जो एक अदायगी है उसमें, उनका जो नृत्य है, I think to beat that is very, very difficult. बहुत मुश्किल होने वाला है for years and years to come. Body तो करती है, dance सभी करते हैं, लेकिन यहाँ से जो dancing होता है वो no one can beat her there. वो सिर्फ सरोज जी कर सकती हैं और उनसे ही मैंने सीखा है. And I think I'm very, very fortunate. बहुत, बहुत lucky हूँ मैं. I thank Dance Deewane and may you all carry on all seasons, many seasons to come. And let my Madhuri rule the roost. Thank you. Thank you everybody. आप गुरु हैं, तो इन बच्चों को कुछ आप कहना चाहोगी? एक ही बात, दिल लगा के काम करो. ये मत देखो कौन तुमको देखता है, कौन तुमको नहीं देखता है. बिल्कुल परवाह ही नहीं करना. नाचते रहो till you reach success. I feel I am blessed कि जिसका ना आगे कोई डांसर था ना कोई पीछे डांसर, और वो आके एक चाइल्ड स्टार से ग्रुप डांसर से असिस्टेंट, असिस्टेंट से कोरियोग्राफर बनना इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल था. लेकिन हमने, बोलते ना वो तेल निकालने वाला कोलू बैल, ऐसा आंख बंद करके लग गए थे कि जो होगा देखा जाएगा. You know, even today जो ये जनरेशन है वो भी आपकी जर्नी अप्रिशिएट करती है. क्योंकि मुझे याद है मेरा बेटा रायन जो छोटा है, उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट आया और कहा जो आपको लगता है कि किसी ने एक अचीवर हो जो जिसने अपनी जगह बनाई है, ऐसे अचीवर को आप इंटरव्यू कीजिए. तो वो आया मेरे पास और कहा मॉम मुझे इंटरव्यू करना है एक ऐसे सेलिब्रिटी का जो जिन्होंने अपनी जगह बनाई है. तो मैंने बोला हाँ चलो बैठते हैं इंटरव्यू करते हैं, बिकॉज आई थॉट ही इज टॉकिंग अबाउट मी. तो बोले नहीं आपकी नहीं, मुझे सरोज जी की इंटरव्यू करनी है. Because she's a woman जिसने एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था, तभी कोरियोग्राफर सिर्फ मेल होते थे. मेल ऐसे इंडस्ट्री में आके उन्होंने, एक औरत ने अपना स्थान बनाया है वहाँ पे. And she ruled. That's why I want to interview her. Now children must be thinking what is her age, right? I became a choreographer when I was 16. Today I am 70. I am 70 नहीं 17 हो आप. Moments देने की जरूरत नहीं पड़ी. It came out very natural. And what? I had no assistant. She was my assistant also. सरोज जी जब आती थी ना तो ऐसे लगता था कि छोटा सा गुंडा आ गया है ऐसे सेट पे. और आके जो सीटी बजाती थी वो ऐसे बजाती थी ऐसे. तो इट यूज्ड टू फैसिनेट मी कि ये कैसे, मतलब ये औरत है सेट पे आ गई, चलो म्यूजिक ऑन करो. और जब डांस करती हैं तो मतलब इतना ग्रेसफुल, और ये अदाएं वगैरह. तो सरोज जी एक्चुअली सीटी बजाना मैं आपसे सीखी हूँ, तो उसे मैंने प्रैक्टिस की थी उसके बाद कि सीटी कैसे बजानी है. सरोज जी ये हो जाए मेरे साथ. थैंक यू मैम. Keep it up, huh? You're very graceful. Thank you, ma'am. Thank you. Good expressions. Saroj ji saying good expressions. You should be dancing. ये किताब है, किताब. ये सुनने के लिए कितने लोग तरस गए हैं, तड़प गए हैं. She's got an elephant's memory. मतलब ये हाल है कि अगर मैंने कहीं movement repeat किया, चुपके से घूम के आके कान में बोली कि मासी ये उस गाने में किया था. अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे दो हाथ है दो पैर है. फिर सोचना पड़ता था कि अच्छा ठीक है कुछ और करते, क्योंकि मुझे पता था कि सरोज जी मतलब भंडार हैं. सरोज जी कैसा लगा इनका ओले ओले? इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. क्योंकि मेरा ही गाना मैं नहीं पहचान सकी. आई स्वेयर उस सैफ को इतना इतना कराने में मेरी जान निकल गई थी. Too good. Thank you. Keep it up. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. सरोज जी, मैंने इनके साथ एक गाना किया है. मैंने सुना था कि बहुत strict हैं and you know you have to be really amazing to you know impress her. And मैं बहुत डरी गई थी. वो मेरा शायद तीसरा या चौथा गाना था जो मैं ज़िंदगी में शूट कर रही थी एंड क्लासिकल मुझे करना था उसमें, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था। फर्स्ट डे पे पैकअप के बाद उन्होंने आके मुझे 101 रुपया थमाया और मुझसे कहा कि तू मेरा नाम रोशन करेगी। वो मुझे हमेशा याद रहेगा।